पहले दिन हम करने जा रहे हैं जाम्बिया कंट्री की स्पेशल ट्रेन सफारी। एक पंगा ये हो गया भाई, आज जाम्बिया में दो लोगों ने मुझे टोक दिया। तो काफी ढेर सारे नेशनल पार्क से होकर ये ट्रेन गुजरेगा। 3 घंटा और वेट करना है। ये है भाई अपना शीट। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी ना करें, बट लोग भाई खिसिया जा रहे हैं। आपके सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। पानी भी यहाँ पे भाई काफी महंगा है। ये इनका बार एरिया है। टॉयलेट कितना साफ सब... नमस्ते इंडिया, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग और आपके चैनल लेट्स रोम इंडिया पर। और मैं हूँ आयुष मिश्रा। आज जाम्बिया कंट्री में हमारा सक्सेसफुली एंट्री हो चुका है। आज है हमारा पहला दिन। पहले दिन हम करने जा रहे हैं जाम्बिया कंट्री की स्पेशल ट्रेन सफारी। जाम्बिया साइड जब बॉर्डर आप क्रॉस करेंगे, नाकोंडे जो मेन शहर है, बॉर्डर टाउन, वहां से जो मेरे पीछे आप ये एरिया देख रहे हो, ये है यहां का मेन नाकोंडे रेलवे स्टेशन जहां पे मैं मौजूद हूं। यहां से आज मैं लेने वाला हूं भाई ट्रेन सफारी। इसका नाम है तजारा ट्रेन, तजारा स्पेशल। इसलिए तंजानिया और जाम्बिया के मिक्स कोलैबोरेशन से बना है, जो कि स्टार्ट होता है तंजानिया के कैपिटल दर एस सलाम से लेके जाम्बिया के कैपिटल लुसाका के पहले शहर कापरी मोसी तक, लगभग 100 किलोमीटर पहले। बट अभी कोविड की वजह से दोनों ट्रेनें एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल नहीं कर रही हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रैवल हो रहा है। यानी यहाँ के बॉर्डर, जाम्बिया के नाकोंडे बॉर्डर से कापरी मोशी लुसाका के कैपिटल के पहले तक, और वहीं दर एस सलाम से तंजानिया के साइड दर एस सलाम से लेके जो टुंडुमा बॉर्डर है वहाँ तक। ट्रेन टाइमिंग की बात करें, मैं अभी सिर्फ आपको बताऊंगा भाई इस जाम्बिया साइड में जो नाकोंडे से ट्रेन चलता है कापरी मोसी तक, दिन के सिर्फ पूरे हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और शनिवार को। ट्रेन की टाइमिंग शाम के लगभग 6 बजे डिपार्चर टाइम। आज है बुधवार 18 अगस्त 2021। इस वजह से मुझे ये मौका मिला इस ट्रेन को लेने का। मैं चाहता था, क्योंकि रीज़न एक और है, इस ट्रेन से जब आप गुजरेंगे तो काफ़ी ढेर सारे नेशनल पार्क से होकर ये ट्रेन गुजरेगा, जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ को भी या गेम ड्राइव को भी एक्सपीरियंस करने का मौका आपको मिल सकता है। टिकटिंग की बात करें भाई, तो टिकट ऑफलाइन ही आपको आके इस रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के पास जाके बुकिंग करानी होगी। और सर्विसेज की बात करें तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से आपको सर्विस मिलेगी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में डिफरेंस ये है, थर्ड क्लास यानी सीटर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास यानी स्लीपर। मैं ले रहा हूँ भाई सेकंड क्लास, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है लगभग 185 जाम्बियन ख्वाचा। ये लगभग मान के चले आप 750 रुपये के बराबर होगी इंडियन करेंसी में। ट्रैवल टाइम की बात करें भाई, तो ये मुझे लेके जा रहा है आज शाम को 6 बजे, इन्होंने बोला है टाइमिंग जो ऑफिशियल है, बट 7 बजे शायद आज छूटेगी और पहुंचाएगी कल शाम को लगभग 4 बजे। तो ऑलमोस्ट आप मान चलिए कि 22 से 24 घंटे का सफ़र होगा ये। अंदर ट्रेन के अंदर क्या सुविधा है, क्या क्या कंपार्टमेंट वगैरह हैं, बाकी सारी चीज़ें जब हम ट्रेन बोर्ड करेंगे तब हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमने सोचा भाई हम आपको यहाँ पे इस नाकोंडे रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो नज़ारा है, मेला बोले तो यहाँ का बाज़ार, बाज़ार बोले तो यहाँ के लोकल लोग, और लोकल लोग की बात की है तो यहाँ का लोकल सामान, जो अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। सीन ये है कि अभी हमने दोबारा इंक्वायरी की, जो पीछे ट्रेन हमारी खड़ी है यही ट्रेन कापरी मोसी से यहाँ नाकोंडे तक आ जाई है और ये लेट आई है भाई। बट अभी स्टेटस यही है कि शाम के अभी लगभग 5 बज रहे हैं यहाँ के जाम्बियन टाइम के अनुसार, हमें 3 घंटा और वेट करना है। अब आप सोचो जाम्बियन टाइम 12 बजे से लेके अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं भाई इस ट्रेन का। पीछे नज़ारा देख रहे हो जो हमने आपको बताया, ये पूरा पीछे स्टेशन बाहर नाकोंडे स्टेशन है जो मेन, इसी के पीछे भाई पूरा ये मार्केट है लगा हुआ है। अब ये हर दिन लगता है, ये आज लगा हुआ ये हमें नहीं पता, बट काफ़ी लोग चहल पहल यहाँ पे है। मेरे अनुसार भाई जो मुझे अभी लगा कि ये बुधवार और शनिवार को सिर्फ लगता है, क्योंकि ट्रेन 2 ही दिन चलती है इस स्टेशन से, तो ये एक इसकी खासियत है। बाकी थोड़ा सा मार्केट में घूम के आया हूँ। एक पंगा ये हो गया भाई, आज जाम्बिया में दो लोगों ने मुझे टोंक दिया कि भाई फ़ोन कैमरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी ना करें बिना किसी परमिशन के। तो इस चीज़ का हम ध्यान बखूबी रख रहे हैं, कुछ भी शूट करने से पहले हम बार बार सोच रहे हैं भाई कि करें या ना करें। थोड़ा बहुत मार्केट का सैर हमने किया और सोचा हमने थोड़ा सा हम आपको भी कराएं, बट लोग भाई
खिसिया जा रहा है, नाराज हो जा रहा है, तो हमने इस चीज को समझा और मना कर दिया, यानी अपने आप को समझाया कि चलो फोटो वीडियो नहीं लेते, अंदर से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बड़ा मार्केट है भाई, लोकल सारी चीजें, खाने पीने की, रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी सामान होते हैं, और कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, क्लोथ, ये सारी चीजें यहाँ पे बिक रही हैं, लोकल फुटकर भाव में आप ले सकते हो। हमने काफी चीजें खाई भाई, खाने की कोशिश की। अभी हमने जैसे केला लिया, तो केला हमने लिया भाई 2 ख्वाचा में 3 केला, और टोटल यानी हमने 6 ख्वाचा का लिया। 5 ख्वाचा बराबर होता है भाई 20 रुपये, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैलकुलेशन। और हमने फिर लिया भाई जो कंद होता है अपना, वो खाने की कोशिश की, भूख लगी थी, तो 1 कंद 1 ख्वाचा के बराबर वो हमने 2 लिया। संतरा हमने सुबह लिया था, मौसमी या संतरा जो भी आप बोले, वो हमने लिया था भाई 5 ख्वाचा का 5। तो ये रहा हिसाब किताब अभी तक खाने पीने इस मार्केट को लेके। जाम्बिया में पहला दिन हमारा, काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, बट उम्मीद है आगे की जर्नी अच्छी होगी। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें, और ट्रेन अभी भी नहीं चली है भाई, क्योंकि अभी भी ट्रेन डिले है। बोर्डिंग अब शुरू हुआ है भाई, हमारा जो कोच नंबर है 2301, और सीट नंबर कोई भी आप ले लो, ऐसा हिसाब किताब है। सुप्रभात, आज है भाई 19 अगस्त 2021, लोकल जाम्बियन टाइम सुबह के 10:30। भाई रात का सीन पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी अपने को, टेम्परेचर लगभग 10 या 11 डिग्री हो गया था भाई। और हम हैं अभी, मैं सोचा सुबह उठ के सबसे पहले रात का सीन और आज का अपना ये कोच, ये केबिन, बर्थ, सारी चीज़ दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो भाई हमने जो कोच हमें मिला हुआ है, यानी ये है 2nd क्लास, जो बुकिंग हमारी थी, जो हमने आपको बताया कि 186 जामियन ख्वाचा हमें पड़ा हुआ इस कोच के लिए। 2nd क्लास का फीचर ये है भाई कि आपको 6 लोग जो स्लीपिंग है अरेंजमेंट 6 लोगों का है। 1st क्लास अगर यही आप लेते तो वहाँ पे 4 लोगों का है, जैसे अपने आप 1st AC 2nd AC होता है, सेम चीज़ यहाँ पे है। और 6 लोग आप सोएंगे, और बाकी बेडिंग, बेडशीट वगैरह, कंबल, एक बेडशीट, एक पिलो यानी तकिया आपको वहीं से मिलेगा, फैन, AC, म्यूज़िक, डोर लॉक सिस्टम, ये सारी सुविधा भाई इसके अंदर मौजूद है इसी प्राइस में। और आपको मैं सीट वगैरह दिखाता हूँ, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना नहीं, और कैसे डोर वगैरह बंद होता है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो भाई, ये है यहाँ का केबिन, एक केबिन हुआ ये, जैसे अपने यहाँ होता है एक 2nd AC में आप देखते हो कि या 1st AC में बंद हो जाता है, 4 या 6 लोग रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट स्टार्ट होता है। अपने यहाँ पर्दा लगा हुआ होता है भाई मोस्टली, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो ये है डोर, ये आप देखो डोर, आप ऐसे करोगे तो ये डोर बंद हो जाएगा, और फिर अंदर से आपको लॉकिंग सिस्टम, ये आप देखोगे भाई ये पूरा लॉकिंग सिस्टम ऑन ऑफ यहाँ पे दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। ये है भाई अपना सीट, मैंने नीचे का लिया हुआ था, नीचे वाला सीट है, और पिलो जो आप देख रहे हो वो मिला हुआ है अपने को, वो ग्रीन वाला, एक चद्दर जो अपने नॉर्मल भाई हमको मिलता है, और ये रहा ब्लैंकेट, जैसे अपने भाई दुरंतो वगैरह या राजधानी में हमें मिलता है, सेम चीज़ वही है। ये है इनका मिडिल बर्थ भाई, इसको ये यहाँ पे डाउन करने का ऑप्शन दिया है, उसको आप डाउन करोगे तो मिडिल हो जाएगा, और इधर रहा फर्स्ट। डाइनिंग टेबल आप बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो। चार्जिंग की भी सुविधा नीचे आपको यहाँ पे दी गई है भाई, ये एक सॉकेट यहाँ पे है, और एक सॉकेट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों सॉकेट है। विंडो का एक लफड़ा है भाई कि अगर आपको सीनरी व्यू का आनंद लेना है तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये ऊपर लॉक होता है यहाँ पे, और यहाँ तक सिर्फ नीचे डाउन आता है, ये वाला पोर्शन भाई नीचे नहीं खुलने वाला, ये परमानेंट फिक्स है। तो यहाँ से आप अगर देखना चाहोगे तो शीशे से उतना क्लियर दिख भी नहीं रहा, ना ही दिख सकता, ये एक ड्रॉबैक है यहाँ का जो मुझे लगा। बाहर आपको अगर आनंद लेना है तो सेम चीज़ भाई, ये जो आपको विंडो दिख रहा है ऊपर है नीचे, नीचे वाला भी यहाँ पे परमानेंट फिक्स है, ऊपर वाला आप खोल के एयर ले सकते हो, और अंदर जब ये भाई दरवाज़ा आप लॉक कर दोगे, हमने अगर ये दरवाज़ा भाई लॉक कर दिया, आपने देखा, अब अंदर से बाहर आप जा सकते हो, बाहर से अंदर आप नहीं आ सकते। तो उसके लिए क्या है, जैसे वेंटिलेशन वगैरह के लिए इन्होंने क्या किया भाई, ये आप जो देख रहे हो ये है वेंटिलेशन के लिए, ये इन्होंने जाली जो फ्रेम होता है इसको लगाया है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो, ये है देखो आप बंद हो गया, नीचे का मैंने खोल के रखा, ये आपके ऊपर है अगर इस सर्विस को आपको यूज़ करना। अब ये रहे स्विच, ये रहा भाई लाइट का स्विच, लाइट ऑन ऑफ करना तो कर सकते हो, अभी ट्रेन बंद हो गई इसलिए बंद हो गया है, रात में मोस्टली ये चलता है, दिन में नहीं चलेगा। ये रहा भाई फैन का, फैन तो अभी चल नहीं रहा, फैन देखो आप देखो, ये फैन एक लगा हुआ है सिर्फ पूरे इस बोगी में, बोगी इन द सेंस भाई इस मेरे कोच में, खासकर मेरे केबिन में, और
एसी पता नहीं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर एक स्विच दिया गया है वो पता नहीं, लाइट वो जो आप देख रहे हो ऊपर लाइट की सुविधा है, ये वाला लाइट है, अब वो किसका है नहीं समझ में आ रहा है। ये रहा पंखा और म्यूजिक सिस्टम भाई, ये सामने जो भाई हैं आप देखो वो रहा म्यूजिक, म्यूजिक आप बजा सकते हो, म्यूजिक के लिए सिस्टम ये है, आप देखोगे ये म्यूजिक बज गया भाई, तो ये म्यूजिक ऊपर आप बजा सकते हो। और म्यूजिक की खासियत ये है कि ये जो म्यूजिक आप बजा रहे हो ये सिर्फ आप अपने केबिन में बजा सकते हो, अगर आपको ऑफ करना आपको पसंद नहीं है आप ऑन ऑफ करेंगे चल जाएगा बंद हो जाएगा, इसका मतलब डिस्टरबेंस जो बाजू वाले में जो केबिन में है उससे नहीं होने वाला। फैन के सिस्टम में भाई ये चीज़ नहीं है, हमें लगा कि फैन भी हम चालू या बंद कर सकते हैं, हमने कल रात में सोचा कि हम फैन चलाएं, जब स्टार्टिंग में हम बोर्ड किए थे हमें गर्मी लग रही थी, बाद में एहसास हुआ कि भाई ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग सकती है, बट इस चीज़ के लिए जब हमने भाई उनसे पूछा कि भाई फ़ैन हम चला सकते हैं, तो उन्होंने बोला अगर इसका फ़ैन चलाएंगे तो पूरे इस कंपार्टमेंट का पूरे इस कोच का भाई फ़ैन चल जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब हमें दिया। बाकी बात करें भाई इसके कैपेसिटी सीटिंग अरेंजमेंट की, सब कुछ बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगा। हाइजीन और क्लीननेस जो मुझे दिखी ट्रेन में, साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि जब ट्रेन चल रही होगी तो ही भाई आप इस वॉशरूम को मौजूद जो टॉयलेट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर ट्रेन खड़ी हो गई तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये कॉमनली हर कंट्री का रूल होता है कि ट्रेन जब भी खड़ी हो तो आप उसको एक्सेस ना करें, बट यहाँ पे क्या सिस्टम है भाई जो मैंने देखा है ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। अपने इंडिया में है तो भाई हम बोलते हैं लिखा होता है कि जब ट्रेन खड़ी है तो शौचालय का प्रयोग ना करें, बट फिर भी हम घुस जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई लॉक हो जाएगा। कल मैं जाने की कोशिश किया भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे वॉशरूम जाना था, बट फिर भी जब मैंने उनको पूछा तो बोले नहीं जब तक ट्रेन चलेगी नहीं आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी बल्कि, और इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे कि उन्होंने ये चीज़ को बोला और फॉलो कराया, और मैंने भी भाई उस चीज़ को फॉलो किया और वेट किया भाई तब तक जब तक ट्रेन चली नहीं। और ट्रेन पूरी की पूरी चाइनीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट, पूरा जो इसका अपग्रेडेशन है वो चाइनीज़ कंपोनेंट सारे यहाँ पे लगे हुए हैं भाई जो मैंने देखा अभी तक, और साफ़ सफाई के लिए पूरे स्टाफ लगे हुए हैं, केबिन क्रू भी ऑलरेडी भाई हर जगह घूम रहे हैं, हाउसकीपिंग के लोग भी यहाँ पे घूम रहे हैं, वो भी चीज़ मैंने देखी। ब्लैंकेट अच्छा है, साफ़ सुथरा है, स्मेल नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और बेडशीट भी एवरेज है, तकिया इनका एवरेज है, मैंने भाई दो तकिया डिमांड किया उन्होंने मुझे दे दिया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। और ट्रेन की खासियत ये है भाई कि ट्रेन दो तरीके से चलती है, ये जहाँ से चली है यानी नाकोंडे रेलवे स्टेशन से लेके कसामा तक, ये ट्रेन हर एक छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट करेगी, ये इनका रूल है। कसामा के बाद से लेके कापिरी मोसी तक जो डिस्टेंस है वहाँ पे ये ट्रेन अपने आप में एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, कहने का मतलब ये हुआ बाकी अब जो छोटे मोटे सब स्टेशन हैं वहाँ पे ये ट्रेन नहीं रुकने वाली, तो ये भी चीज़ अपने को काफ़ी अच्छी लगी। इसका रीज़न जो हमने पूछा इनसे जानने की कोशिश की वो था ये कि नाकोंडे से लेके कसामा तक जो बीच में छोटे मोटे गाँव हैं भाई उनमें रोड का एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से हर एक छोटे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन को रोकना लाजमी है ताकि लोकल लोग उस पर बोर्ड हो पाए। और जैसे हमने आपको बताया भाई हाउसकीपिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो ये देखिए आप मोहतरमा जी आ गई हैं साफ सफाई के लिए, यही हमारी केबिन क्रू भी हैं जो हमारे पूरे इस कंपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं। ट्रेन के स्पीड की बात करें तो भाई ट्रेन की स्पीड ऑलमोस्ट एवरेज स्पीड से चल रही है, अब कितना है ये मुझे नहीं पता, लाइव रनिंग स्टेटस अगर आपको इस ट्रेन का देखना है तो वो आप नहीं देख सकते, मत भूलिए आप कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जाम्बिया कंट्री में मौजूद हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है जो मुझे भी लगा। बट ट्रेन ऑलरेडी भाई दो घंटे या ढाई घंटे से लेट चल रही थी, अब ये राइट टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी इसका कोई अभी गारंटी नहीं है, बट होपफुली जैसा मैंने अपने दोस्तों से भाई बात किया लोकल लोगों से उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 15, 16, 17 और 18 इन टाइम के बीच में ये ट्रेन कापिरी मोसी तक पहुँच सकती है, इसका अभी कोई कन्फर्मेशन फाइनल कन्फर्मेशन या गारंटीड अराइवल टाइम किसी ने नहीं बताया हुआ। तो ये था भाई पूरा हिसाब किताब इस पूरे ट्रेन जर्नी का सफ़र का, बाकी मैं अभी आपको चलूँगा वॉशरूम जो इनका कैंटीन एरिया है जो इनका बार एरिया है और बाकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिफरेंस क्या है वो सारा चीज़ भाई मैं कोशिश करूँगा आपको इन वीडियोस से दिखा पाऊँ। कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे महंगा है, पानी भी यहाँ पे भाई काफ़ी महंगा है, 40 रुपये का एक लीटर पानी आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऑलमोस्ट जो मैंने चेक किया। तो यार इस वक्त हम मौजूद हैं जाम्बिया कंट्री के एक अगले शहर यानी एम्पिका शहर में उसके रेलवे स्टेशन पे भाई, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है बाजू में आप देख रहे हो ये ट्रेन रुक चुकी है यहाँ पे, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है यार जो मैंने अभी तक देखा भाई।
और ट्रेन की सर्विस की बात करें भाई तो काफ़ी अच्छी है, ए बी सी की कैटेगरी में मैं बी कैटेगरी में मानूंगा। ट्रेन में भाई ऑलरेडी कैंटीन की सुविधा है, यानी डाइनिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने का ऑप्शन है, और साथ में बार यानी ड्रिंक बेवरेज, अब वो चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीना हो या आपको चाय कॉफ़ी पीना हो या आपको लीकर यानी दारू पीना हो, वो सारी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध है। आपको पे करना है और आप एक्सेस कर सकते हैं। और खाना थोड़ा सा भाई बात करें तो मोस्टली नॉनवेज है खाने के ऑप्शंस में। कल रात में भाई डिनर में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने बोला कुछ राइस वगैरह ही दे दो, राइस भी नहीं था इनके पास, तो ले जाके इनका जो हम उगाली मोस्टली ईस्ट अफ्रीका में खाते हैं वही यहाँ पे भी है, इसको ये लोग कुछ और बोलते हैं भाई, और उसी के साथ वही वेजिटेबल मुचीचा टाइप का एक वेजिटेबल। बाद में मैंने भाई बोला टमाटर प्याज सलाद टाइप का काट के मुझे दे दो, वो दिया, बट उसमें भी उन्होंने नमक नहीं डाला। ये कॉस्ट मुझे पड़ा भाई 100 रुपये लगभग इंडियन रुपीज़ के बराबर। ये था अपना डिनर। सुबह ब्रेकफास्ट जो मैंने किया भाई वो था चाय और ब्रेड, बटर भी था और मेयोनीज उस पे लगा के ये दे रहे हैं, जो कि मुझे पड़ा भाई अगर ऑमलेट के साथ लेते तो 25 जाम्बियन ख्वाचा, बट मैंने बोला सिर्फ मुझे चाय और ब्रेड दे दीजिए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे चार्ज किया भाई 10 जाम्बियन ख्वाचा, लगभग 40 इंडियन रुपीज़ के बराबर हुआ भाई अपना ब्रेकफास्ट। ये रहा भाई ये शावर, ये जो हमने आपको बताया ये है फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट, और फर्स्ट एसी में आप ये जो देख रहे हो ये शावर की सुविधा है, पानी वगैरह, ये यहाँ का टॉयलेट बेसिन वगैरह भी है, और ये जो टॉयलेट, अब टॉयलेट कितना साफ सफाई के साथ है भाई ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आप ये देखो ये आप लॉक कर दोगे, लॉक का सिस्टम भी सेम ही है, हम आपको दिख रहे हैं सीसा पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप बेसिन वगैरह को यूज कर सकते हो, बट अलग से ब्रश वगैरह करने के लिए हाथ मुंह धुलने के लिए अलग से एरिया दिया गया है, वो मैं आपको चल के भी दिखाता हूँ। ये बाथरूम से आप बाहर निकलोगे तो ये पूरा एरिया आपको साफ सफाई के साथ मिलेगा। 1201 ये नंबरिंग दिया गया है, कैपेसिटी 28 पैसेंजर बैठ सकते हैं इसमें फर्स्ट क्लास में। और ये पूरा केबिन देखो आप, पूरा नज़ारा यहाँ का, ये इमरजेंसी ब्रेक वैल्यू, ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे दी हुई है। ये जो एरिया देख रहे हो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे भाई लगी यहाँ की वो है ये, फर्स्ट क्लास में ही ये आपको देखने को मिलेगा। अलग से जो हमने आपको बताया कि अगर आपको ब्रश वगैरह करना है, हाथ मुंह धुलना है, ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी अच्छे से। आप पूरा लाइट वगैरह की सुविधा है, पूरा वेंटिलेशन है, यहाँ से भी आप इसको डाउन कर सकते हो। ये देखो आप इसको करोगे तो ये डाउन हो जाएगा, बिल्कुल काफ़ी टाइट है। ये आप आओगे तो ये है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयलेट वगैरह है भाई, ये देखो अभी लॉक है कोई है ऑलरेडी तो टॉयलेट, तो डोंट यूज़ व्हेन पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी केबिन, पूरा लाइट का सारा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये आप इधर आओगे तो ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, ब्रेक वगैरह है यहाँ पे, दरवाजे वगैरह आपको कितने साफ सफाई के साथ, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी भाई, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे। और ये आप ऐसे एंटर करोगे जैसे अपने यहाँ होता है लोग यहाँ सामान वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है सेकंड क्लास, हम क्योंकि जो आपको होता है फर्स्ट क्लास वो है सेकंड क्लास, अब जो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है, फर्स्ट क्लास में जो अंदर केबिन है वो 4 लोगों के साथ स्लीपिंग अरेंजमेंट किया गया है, सेकंड क्लास में 6 लोग, बाकी सारी सुविधा सेम है। एक चीज़ का और डिफरेंस है भाई वो है सीट जो सेकंड क्लास की है वो थोड़ी सी छोटी है, फर्स्ट क्लास की सीट है वो बड़ी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 4 लोग सो सकते हैं, सेकंड क्लास में 6 लोग। बाकी सारी सर्विस एसी, पंखा, म्यूज़िक, दरवाजे, खिड़कियां और बेडिंग सिस्टम सारा कुछ सेम आपको मिलने वाला है। हमने जो देखा भाई हमारे यहाँ जो ब्रेक का सिस्टम रहता है वो हमारे इमरजेंसी विंडो के आसपास कहीं रहता है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये गेट के पास, और गेट ऑलरेडी लॉक है, खोल नहीं सकते, ये अलग से लॉक सिस्टम दिया गया है भाई इसको पूरा करने का, ये अभी लॉक है तो खोला नहीं रहेगा। मोस्टली आप मान चलिएगा कि जब जब ट्रेन चल रही होगी तो इसको हमेशा लॉक करके रखते हैं, अपने यहाँ क्या होता है कि ट्रेन चल भी रही तो भी हम आपके विंडो पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको मना कर दिया जाएगा, गेट लॉक रहेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और चाइना एड लिखा हुआ है भाई जो हमको समझ में आया, और मोस्टली जो मैंने देखा है कि कंपार्टमेंट भी जो बनाए गए हैं वो मोस्टली कंपोनेंट जो यूज़ किए गए हैं वो चाइनीज़ ही प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं, बट ट्रेन की जो फिनिशिंग है भाई वो काफ़ी अच्छी हमें लगी। अब ये देखो ये पूरा केबिन जो आप देख रहे हो ये सेकंड क्लास का, और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर का केबिन है, 2 नंबर का केबिन, 3 नंबर का केबिन, 4 नंबर का केबिन, अलग अलग केबिन लगे हुए हैं, सीट नंबर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 लोगों के स्लीपिंग का अरेंजमेंट है।
आपको यहाँ पे लेटरिंग मिल जाएगी मेल फीमेल वॉशरूम के लिए भाई ना। और ये टॉयलेट यहाँ पे आप देखो, टॉयलेट सेम कुछ टॉयलेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो हमने आपको दिखाया था वो था फर्स्ट क्लास का टॉयलेट, ये है सेकंड क्लास का टॉयलेट भाई। सब कुछ सारी सुविधा यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगी। ये आप देखो टॉयलेट पानी वगैरह यहाँ रखा हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे भी साफ सफाई। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के डाइनिंग टेबल एरिया में और किचन एरिया में, और साथ ही भाई जो वाइन एरिया है उसमें भी हम आपको आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं सारा। आपको हम लेके चलते हैं भाई यहाँ के बार वाले सेक्शन में, जहाँ पे बैठ के आप ड्रिंक बेवरेज चाय कॉफी दारू सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। 350 ml 8 जाम्बियन ख्वाचा अपने को पड़ा है भाई, ठंडा भी है। अब टेस्ट करने के बाद पता हम आपको बताते हैं। ये रहा 50 ख्वाचा, ये रहा 20 ख्वाचा, ये रहा 20 ख्वाचा, ये रहा 2 ख्वाचा, 50, 40, 90, 90, 2, 92, 8 ख्वाचा का भैया ठंडा हो गया, 100 ख्वाचा कंप्लीट अपना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस प्लेस पे आपको इस ट्रेन में यहीं पे, ये इनका बार एरिया है सेगमेंट, जहाँ पे आपको बियर ड्रिंक बाकी अलग तरह के बेवरेजेस और अलग तरह के लोकल लिकर और जो यहाँ का मेन लिकर है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने सोचा हमारे लिए भाई, क्योंकि हम ड्रिंक करते नहीं, हमारे लिए ड्रिंक यही है, तो हम इसी को यहाँ पे इन्जॉय करते हैं। ब्रो ओपन, थैंक यू शांति। This is the local Zambian. Yeah, it's a Zambian beer. It's a beer? No, it's not beer. Yeah, it's spirit. It's spirit, right? Yeah. Like brandy? Lagers. Swiss. Whiskey? Yeah. Oh, local. This is made from Zambia only? Yeah. And what is name? Bolt? Bolt Whiskey. Bolt Whiskey. Bolt Whiskey. This is a local Zambian whiskey. Yeah. So mostly local people love to drink this one. Yeah. And what is the cost? What is the price? 15? Yeah. 15 kwacha? Yeah. Oh, very. Oh, very low. Good. 15 kwacha only. Ah, okay. Oh my god, 43%. 43.5. 43. Yeah, 43. Alcohol. And 200 ml.
ओ भाई ये जो टाइम आप देख रहे हो 12:10 और फाइनली 3000 किलोमीटर की जो जर्नी थी अपनी बुरुंडी कंट्री के कैपिटल बुजुम्बुरा से लेके जाम्बिया कंट्री के कैपिटल लुसाका तक हम फाइनली सक्सेसफुली पहुंच गए भाई। जो आपने देखा था कि बुरुंडी तंजानिया और फाइनली जाम्बिया, तो आज हो गया भाई 19 और अभी 19 क्या अब तो हो गया भाई 20 अगस्त, 12:00 जाम्बियन लोकल टाइम के हिसाब से 12:10, तो 20 अगस्त 2021 को हम जाम्बिया कंट्री के कैपिटल लुसाका में पहुंच चुके हैं। 16 तारीख को सुबह 4 बजे से निकले थे भाई, 4 दिन का सफ़र ये रहा और ट्रेन की जो जर्नी रही वो सारी भी हमने आपने देखा कि जो ट्रेन थी वो भाई 3 घंटे ऑलमोस्ट लेट थी। हमें जो कापरी मोसी ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ भाई लगभग 8:20 पे, और लकली 20 मिनट के अंदर 8:50 पे हमें एक छोटी मतातू जो अभी आपने देखी इसके ज़रिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। लास्ट में 85 जाम्बियन ख्वाचा उन्होंने हमसे चार्ज किया भाई पर पैसेंजर यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, और 220 किलोमीटर की जर्नी आप सोचो कापरी मोसी से लुसाका तक सिर्फ 3 घंटे के अंदर उन्होंने ला के यहाँ पर ड्रॉप किया। पैर भाई दुख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ भाई ये है कि हमारे जो होस्ट और दोस्त हैं निशान सर, उनको हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो जस्ट ऑन द वे हैं, आने वाले हैं, जो मुझे पिक करेंगे और फाइनली मैं उनके साथ उनके स्वीट होम यानी अपने होम पे जाने वाला हूँ। ये जो एरिया है इंटरसिटी बस, ये जो बाजू में है पीछे शायद वो है, गाड़ी वालों ने बोला कि वहाँ तक बस नहीं जाएगी, यानी ये लोकल मतातू आपको यहीं उतरना होगा। तो सामने आपको भाई ये पूमा का आपको पेट्रोल स्टेशन दिख रहा होगा जहाँ पे हम खड़े हैं। निशान भाई को भी हमने कॉल किया, उन्होंने बोला 5 से 6 मिनट में हम इसी रोड पे हैं आपके पास पहुँचने वाले। हेलो आप पूमा में हो, आप गाड़ी लगा रहे हो क्या? अच्छा ये आप रिवर्स कर रहे हो क्या? हाँ